हाल ही में मनाया गया विश्व पर्यावरण दिवस जो हर वर्ष 5 जून को मनाया जाता है। यहाँ पर आज हम बात करेंगे पर्यावरण दिवस के बारे में, जो इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हैं उसको हम जानेंगे। तो चलिए महत्वपूर्ण बिंदुओं के बारे में हम बात कर लेते हैं कि पर्यावरण दिवस मनाने की शुरुआत कब से की गई है, तो इसके बाद भी हम जानेंगे इसकी इस बार की थीम क्या रखी गई थी और जब पहली बार मनाया गया था तब इसकी थीम क्या रखी गई थी। चलिए छोटी सी वीडियो में हम नॉलेज कर लेते हैं, इसके बारे में थोड़ी जानकारी ले लेते हैं कि ये स्टार्टिंग कब से हुई। तो आपको बता दें कि पर्यावरण दिवस मनाने की घोषणा जो है 1972 में संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा की गई थी और इसके स्टार्टिंग पहली बार यह 1973 ईस्वी में मनाया गया था विश्व पर्यावरण दिवस, और इसकी थीम रखी गई थी केवल एक पृथ्वी। तो आइए जान लेते हैं 2023 में इसकी थीम क्या रखी गई है और क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है इसके बारे में थोड़ा हम जान। वर्ष 2023 में इसकी थीम रखी गई है प्लास्टिक प्रदूषण के उपाय। तो आइए जान लेते हैं हम इसके बारे में। दुनिया भर में हर वर्ष 400 मिलियन टन प्लास्टिक उपयोग में होता है, इसमें से आधे से ज़्यादा केवल एक बार उपयोग में आता, इसमें से 10% से कम को रिसाइकल किया जाता है। तो इतने सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जानने के बाद आपका क्या राय है आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, और प्लास्टिक का उपयोग कम से कम कीजिए ताकि प्लास्टिक से जो प्रदूषण होता है उससे बचा जा सके। तो इस बार 2023 की थीम भी यही रखी गई थी प्लास्टिक प्रदूषण के उपाय, तो आप लोग इसको नोट कर लीजिए। चलिए आज की वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। जाते जाते हम पर्यावरण के बारे में कुछ तथ्य जान लेते हैं। पर्यावरण और अर्थव्यवस्था एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। अगर हम पर्यावरण को नहीं बचा सकते तो हम अपने आप को भी नहीं बचा सकते हैं। इसको किसने कहा था कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। उनको नोबेल शांति नोबेल पुरस्कार भी मिला हुआ है, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चलिए आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे एक नई टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।